अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं हम आपको अपने मट किचन के न्यू एपिसोड में, कि जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त का एक बहुत ही अर्लियर वर्शन, कि जो हमारे ट्राइबल एरिया की एक बहुत ही पुरानी डिश है। नाज़रीन, आप लोगों से रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, पूरी रेसिपी को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, फॉलो करेंगे तो ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इसमें हम सबसे पहले लेंगे मटन। मटन हमारे पास है तकरीबन 1.25 किलो के करीब है, और इसमें हमारे पास 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास है फैट्स। इसके बाद हमारे पास है नमक, जिसमें हम सबसे पहले हमारा लहसुन और नमक जो है वो गोश्त में जाएगा। इसके थोड़ी देर के बाद हमने करना है दही और अजवाइन का इस्तेमाल, और इसमें किसी भी किस्म का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलें नाज़रीन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं हांडी को उठा के रखती हूँ इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा मटन जो है मटन हम सारा इसमें शिफ्ट कर लेंगे। पानी हम इसमें तकरीबन डालेंगे 2 प्याली के करीब, बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमारा होगा तकरीबन, मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूंगी। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने कितना नमक इस्तेमाल करना है, आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक को इस्तेमाल कीजिए। अब हम इसको ढक देंगे और इसकी आंच थोड़ी सी कम होने तक ये पकता रहेगा। हमने इसमें नाज़रीन सिर्फ तकरीबन इतना ही लहसुन, 2 ये हमारे पास पोथी लहसुन की है, तो ये हम इसको रखने की जो हमारी टेक्निक है वो कुछ इस तरह से होगी कि हमने सिर्फ यहाँ ऊपर से थोड़ा सा लहसुन के इस पोर्शन को कट करना है ऐसे, इस तरीके से ये पोर्शन रहने देना है। नीचे वाले पोर्शन को हमने नहीं हिलाना, ऊपर वाले पोर्शन में हमने सिर्फ इतने से पोर्शन को ऊपर से काट देना है। इसी तरह हम दूसरे को भी ऐसे ही कर लेंगे, और इस लहसुन को डायरेक्ट हम अपनी हांडी में गोश्त के ऊपर रख देंगे। ठीक है नाज़रीन, लहसुन को हमने इसमें इस तरह से करके थोड़ा सा डुबो दें और इसको रख दें। अब आपने इसको बंद करके रख देना है। नाज़रीन, हमारा जो मटन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम दही के साथ जो हमने दम लगाना है इसको, अजवाइन और दही का, तो वो अब हम कर लेंगे। बिल्कुल रेडी हो चुका है उसके लिए हमारा जो मटन है। चलें जी नाज़रीन, ये हमारी जो दही है, अब हम इसको ले लेंगे तकरीबन 1/2 प्याली हम दही लेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास है अजवाइन तकरीबन 1.5 टीस्पून है हमारे पास। इसको हम हाथ पे मसल के और इसमें हम इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद
हम इसको, अब इसके बाद हम इसमें इस दही को मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, ये हमारा मटन जो है वो दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने ये कर लिया, सिर्फ इतनी ही मिकदार में हमने इसमें दही को शामिल करना था। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट का दम लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले आटे को इस पे लगाते जाएंगे और हमारा खाना दम के लिए रेडी हो जाएगा। हम बंद कर देते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ कोयलों की आंच पर ही रहेगा। नाज़रीन, मटन हमारा जो है वो दम पे हमने रख दिया है। तकरीबन उसको 10 से 12 मिनट उसको ज़्यादा लगेंगे और उसके बाद हमारा जो मटन है वो रेडी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का फैसला। क्या हो रहा है आज? हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको अपने मट किचन में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे जो ट्राइबल एरिया की है, आपको याद होगा कि ये हमारे वो डिश है नमकीन गोश्त का जो बिल्कुल अर्ली वर्जन जो हमारा था, कि जहाँ से नमकीन गोश्त की शुरुआत हुई थी। सही, सही, कैसे इसका वो था? हाय गाइस, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने लास्ट टाइम देसी चना दाल इनकी ट्राई की थी एंड मैंने सुना था बहुत ज़्यादा, और आज लकीली मुझे मौका मिला इनके प्रोग्राम में अचानक से हमला करने का, और मैं बहुत अच्छा खाना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर अच्छा ना हुआ तो मैं सॉरी करता हूँ। नहीं, आपको हम खिलाएंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम कैसी डिशेस बनाते हैं, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो अब जल्दी से खाना खिला दें। वैसे जी बिल्कुल, सहरी भी होने वाली है। बिल्कुल, सहरी का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो हमें तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे और इसके साथ ही हम आपको सर्व कर देंगे हमारा आज का नमकीन गोश्त। और एडिटिंग की सबसे अच्छी बात यह थी कि आप यूं करते हैं और 5 मिनट गुजर जाते हैं। नाज़रीन, हमारा जो मटन है वो रेडी हो चुका है। हमारा नमकीन गोश्त हमने जो टाइम देना था दम के लिए वो हम दे चुके। ये देखिए, अब हम ट्राई करवाते हैं समी खान को कि वो इसको देखें कि कैसा बना है। ये समी खान, ये हमारा नमकीन गोश्त आप ट्राई कीजिएगा। बाय द वे, समी खान जो है हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, रांझा रांझा कर दी हमारे लक्स स्टाइल अवार्ड अभी का जो हमारा रांझा रांझा कर दी के लिए जो इन्होंने विन किया, उसके अलावा ओएसटी है इनका डरसी जाती है सिलहा, उसमें भी लक्स स्टाइल अवार्ड में जो है वो इनका बेस्ट ओएसटी था। फिर इसके अलावा इनका इनकार, फांस और सबात, बहुत सारे ड्रामे हैं जिनको क्रेडिट इनके उस पर जाता है। बाय द वे, सबात जो था वो उसमें जस्ट मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक किया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया था, बट स्टिल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे जिस चीज़ की जल्दी है वो है टेस्ट करना। तो टेस्ट कीजिए आप। कैसा है?
पेशावर के खाने की याद आ गई हो। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, माशाल्लाह आप छा गई हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा सुना था आपके बारे में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। और बहुत शुक्रिया। यकीन माने मैं अचानक से मैंने हमला किया था, सिर्फ यकीन के बारे में बहुत सुना था और जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया। जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अच्छा क्वालिटी का खाना और अच्छी रेसिपीज़ को ट्राई करना है तो सबसे पहले तो आप मट किचन को सब्सक्राइब करें इसके चैनल को, और जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनको फॉलो करें, और अपने स्पेशली जो खवातीन हैं अपने घर वालों के दिल जीत लें, बेस्ट चांस है। इसके साथ ही हमारी आज का जो डिश है वो आप लोगों ने टेस्ट का आपको पता चल गया होगा जैसे समी खान ने कहा। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमें बहुत अच्छा, अगर आपको डिश अच्छी लगी हो बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। और इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।